मौसम में बदलाव के साथ ही अब बीमारी के मरीज भी बढ़ने लग गए हैं। इन दिनों जिला अस्पताल में बुखार, खांसी, उल्टी के मरीज पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौसम के उतार चढ़ाव के चलते वायरल फीवर बढ़ने लगा है। इधर बढ़ते वायरल फीवर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त मेडिकल सामग्री का भी इंतजाम कर लिया है। डॉक्टर का कहना है कि धूप से बचने के साथ साथ बारिश में भीगने से भी सावधानी बरतें। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण अभी सर्दी बुखार की ज़्यादा परेशानी है, खांसी है। अब अस्पताल में अभी इस कारण ज़्यादा मरीजों का भीड़ बढ़ गया है। मौसम जिस प्रकार से अभी फेर बदल हो रहा है, कभी बरसात हो रहा है, कभी गर्मी हो रहा है, कभी तो थोड़ा सा सुबह का टाइम में जो ठंड भी है वो बढ़ जाती है। तो अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि तीनों मौसम का एक साथ समावेश ऐसा मौसम चल रहा है, जिसके कारण वायरल फीवर जो है इतना बढ़ रहा है कि आम जनता जो है वायरल फीवर के संपर्क में आ रहे हैं और इसकी संख्या लगातार काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, इलाज में परेशानी, दिक्कत हो रही है। तो शासन से हमारी गुजारिश है कि जो भी वायरल फीवर के मरीज आते हैं उनका समय में और तात्कालिक और सही ढंग से इलाज हो, ताकि जल्द से जल्द वो व्यक्ति स्वस्थ हो, ठीक हो और किसी भी प्रकार से उसको कोई भी परेशानी ना हो। जिला अस्पताल में वायरल फीवर के ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जो सर्दी खांसी खास से पीड़ित है और सर्दी खांसी ज्यादा लोगों को हो रहा है और स्किन का मन फंगल का भी ज्यादा पेशेंट आ रहा है, स्किन से रिलेटेड जो भी है। तीसरा है कि यहाँ जिला अस्पताल में ही नहीं, हर PSC या कृष्ण PSC में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या CSC में पेशेंट आ रहे हैं जो भारत जोड़ के आ रहे हैं और मैं खुद भारत जोड़ का शिकार हो गया था। मैं इंडिया में बीती हुई ठीक हुआ बीती हुई वगैरह और अभी जो मौसम चल रहा है इसमें लोगों को बचना चाहिए और धूप से भी और बरसात में भी पानी से बचना है और जो कपड़ा लोग पहन रहे हैं कम से कम अच्छे से सुखा के आयरन करके पहन लें, इससे बचा जा सकता है।